हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश और मैं हूँ दोस्तों शुभम और ये है हमारा ब्रांड न्यू शो द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो। पहले तो देखो ये कि अपने शो को खुद से ही आप ग्रेट बता दें, खुद की तारीफ हमें करनी चाहिए, ये दूसरों की जैसे पहले खुद को जाए करें। बचपन से सीखा हमने और हम तो अप्लाई करते हैं। और भाई टीम भी देखना, अपने नाम ऐसे रख दे, सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, जायंट्स, लेकिन जैसा कि मतलब पंजाब की आपकी नहीं है वो अकेले की, भाई पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश की है। बिल्कुल, ये अच्छा लगा मुझे जान के। लेकिन जैसे पंजाब किंग्स, चाहे जैसा मर्जी खेल रही हो, नाम अभी तक उनका किंग्स है, सनराइजर्स हैदराबाद। भाई टॉम मूडी ऐसा सनसेट करके गया ना उनका पिछले साल से। बट यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं वो हम आपको बता दें कि एक तो वही करेंगे हम जो इस पूरे सीजन बेन स्टोक्स ने किया, जॉश हेजलवुड ने किया मोस्ट ऑफ द टाइम, बैट के कुर्सियां गर्म करेंगे हम, बातें करेंगे और ढेर सारे अलग अलग सेगमेंट्स बनाए हमने आपके लिए, जिसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वार्म अप से। वार्म अप में पूरे हफ्ते की खबरें होंगी, उन पे हमारे टेक्स होंगे। अब हफ्ते तो कई गुजर गए तो हमने पिछले जो आईपीएल के दौरान खेल खेला गया उस पे बातें करने वाले। हाँ, और बाकी क्योंकि ये वीकली शो होगा तो हर हफ्ते फिर हफ्ते की बात, हफ्ते की बात। सबसे पहले इस हफ्ते की क्या आपको रहा कि जो सबसे बड़ी न्यूज 16 साल से बनती हुई आ रही है फिर वही बनी कि भाई आरसीबी बाहर हो गई आरसीबी, फिर से लोगों ने वही बोला कि दिल जीतने आते हैं। अबे अब तो नई नरेशन ले आए, विराट कोहली इज बिगर देन एनी आईपीएल ट्रॉफी, तो खेलता क्यों, खेलना छोड़ दे भाई, क्यों कम्पीट कर रहा है वो टीम प्रॉपर स्टार्स पे चल रही है बहुत टाइम तक, गेल, डिविलियर्स, वो थे विराट थे, अब मैक्सवेल और पैप हो चुके हैं, अब आगे और कोई हो जाएंगे, जैसे चेन्नई का है वो सीनियर्स ऐसे ढूंढ लाते हैं, उनसे खिलाते हैं, इनका पता नहीं क्या सीन है, ये यंगस्टर्स लेते हैं और ऐसे अच्छे यंगस्टर्स लेते हैं। चेन्नई से तो इनमें बहुत डर का माहौल है ओल्ड एज होम्स वालों में कि भाई हमारे यहाँ के लोग ये उठा के लेके हमारा तो बिजनेस बंद, और उन्हें परफॉर्मिंग भी बना देंगे बागवान में, अगर वो टाइपराइटर के जाए बैट उठा लेते हैं तो सीएसके से खेल जाते भाई अमित जी, वहाँ अलग ही कल्चर है सीएसके में। तो बड़े बात करते हैं आरसीबी, आरसीबी में मुझे भी जेन्युइनली यही लगता है कि जैसे अब अनुज रावत हो गया, उसको आप एज एन ओपनर लाए, फिर आप उसका बैटिंग ऑर्डर ही पूरा डिस्टर्ब कर दिया, महिपाल लोमरो को भी 2-3 सीजन पता ही नहीं यार वहाँ पे कि किसका क्या रोल है, सिराज का भी ऐसा, मतलब आरसीबी को मैं उतना क्रेडिट नहीं दूंगा कि आरसीबी, सिराज भी भरत अरुण सर का नाम लेता है जो इंडियन टीम के साथ थे कि भाई उन्होंने मुझे बनाया, आरसीबी में तो ट्रॉली हुआ वो इतना पिटता था, फिर वो टीम में पहुंचा, इंडियन क्रिकेट टीम में पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह सीरीज के लिए उसे कॉन्फिडेंस आया, वहां जाके उसने बॉलिंग में धार दी, वो अब काम आई उसके, जो सबसे बढ़िया दुनिया का स्पिनर, मतलब वन ऑफ द स्पिनिंग ऑलराउंडर, वनिंदु हसरंगा नाम है उसका, उसे 2-4 मैच खिला के बाहर कर दिया, उसके साथ कंटिन्यू नहीं किया, बीच सीजन में लेकर आए तो केदार जाधव को, केदार जाधव जो कमेंट्री कर रहा है जो खेल से भी टच में नहीं है, नहीं ये तो उनको बहुत लगा हुआ है कमेंटेटर, दिनेश कार्तिक को लाए पहले, दिनेश कार्तिक के लिए दो शब्द कहे क्या बात करनी है, मैं क्या कहूँ, पूरा देश कह चुका है, कई शब्द कह चुका है दिनेश कार्तिक, वो अकेला बंदा है जो बंदा केएल राहुल को गाली दे रहा होता है, दिनेश हेलो मेरे को भूल गए क्या, भूल गए क्या, केएल राहुल बेस्ट फ्रेंड। बट इसके अलावा बाकी टीम्स की अगर हम बात करें, MI है, CSK है, LSG है, GT, तो प्रेडिक्शन में आपकी अगर जानूं कि आपकी प्रेडिक्शन सबसे स्ट्रांग टीम तो मुझे GT ही लग रही है, क्योंकि बहुत बैलेंस टीम है वो यार, उनके पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, राशिद खान तो ऑलराउंडर हो चुका है भाई, राशिद खान पता है आपको अभी भी इमर्जिंग प्लेयर में नॉमिनेट हो सकता है, सिर्फ एज का क्राइटेरिया है राशिद खान तो भाई, राशिद खान नूर अहमद सोचो, तो कितने साल का नूर, 17 का बताता है, कैसे उनके क्या बर्थ सर्टिफिकेट 18 का होने पर बनता है, क्या हिसाब किताब रहता है भाई, वहाँ तो बर्थ सर्टिफिकेट ऐसे बनता है ना, उनका 17 लिख दो 17 लिख दो वहाँ तो फिर ऐसा आएगी भाई, मतलब जो आता है यार बिल्कुल ही युवा, सिर्फ युवा ही वेरीफाई करने में नहीं जा सकते मानने पड़े, बड़े GT बहुत बैलेंस टीम बहुत बैलेंस लग रही है, और जिस तरह का परफॉर्मेंस उनके, एक तो रिद्धिमान साहा भाई किस टेंपरमेंट का खिलाड़ी पता नहीं चलता ना, वो क्या बोलते हैं उसको, DNA से CSK प्लेयर लग रहा है, जो 37-38 के बाद टॉप पे आते हैं और जिनका पीक आता है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट टीम आपको GT लगी तेरे को, मुझे नहीं, मैं LSG को मैं अगर वो बोलूंगा, मतलब बच्चे ऑनेस्टली मैं यहाँ पर तक मुझे कोई वो नहीं है, हमारी टीम भाई बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, वी हैव लॉस्ट ऑल द इजी गेम्स, वी हैव वॉन ऑल द टफ गेम्स, जब ये लगता है ना कि अब TV बंद करने का टाइम आ गया, वहाँ से पूरन जिता देता है, और जब आपको लगे यार आज तो जीत ही रहे,
कोई करके दिखा दे बैटिंग, अनप्रेडिक्टेबल की बात ही नहीं। सवाल है स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, स्ट्रॉन्गेस्ट मुझे मुंबई इंडियंस मतलब चेन्नई में शायद थोड़ा सा फंस सकते हैं, बट अगर चेन्नई से निकल गए एलिमिनेट नहीं हुए फिर वो ट्रॉफी उठा लेगी, और उठानी बनती भी है भाई, करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है, फ्री में उन्होंने पूरा आईपीएल लिया, वो तो आंकड़ा भी साइड में दिख जाता है, 2.5 करोड़ तो डिवाइसेस है भाई, एक टीवी से 5 देख रहे हैं, 6 देख रहे हैं, 10 देख रहे हैं, किसे क्या पता। तो इतने लोगों की दुआओं से तो मुझे नहीं लगता कि वो टीम हार सकती है। और अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, गोट हमने उसको सेगमेंट को नाम दिया है, ऐसा कूल आजकल चल रहा है, कुछ भी लेजेंडरी होता है तो सीधा गोट की संख्या दे दी जाती है हर टीम में। फॉरेन प्लेयर्स 4 हैं, इम्पैक्ट प्लेयर एक होता है, लेकिन गोट्स 3-4 हर टीम लेके चलती है। तो इसमें बेसिकली हम एक लिस्ट बनाया करेंगे साथ में मिलके, आपके एंड से भी वेलकम रहेगी हमेशा की टॉप 5 ये टॉप 5 वो। आज हम बात करेंगे इस आईपीएल के टॉप 5 यंगस्टर्स, ये टॉप 5 है, इसमें ऑर्डर आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आपके दिमाग में पहला नाम कौन सा आता है यंग प्लेयर ये सीजन सोचते? मेरे को रिंकू सिंह आता है भाई, बिल्कुल आता है, मुझे भी आता है। और अगर मैं टॉप 5 में भी नंबर 1 पे रखना चाहूंगा तो रिंकू सिंह को, मैं भी रिंकू सिंह। और अच्छी बात यह कि इस बार 3 लेफ्ट हैंडर्स हैं, जो आई थिंक तीनों कट इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत जरूरत है भाई, इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत जरूरत। युवराज सिंह के बाद से कोई एलिगेंट लेफ्ट हैंडर हमें नहीं मिला। सुरेश रैना ने काफी जगह भरने की कोशिश की थी लेकिन वो भी खाली रही, युवराज की जगह युवराज के साथ साथ ही थे वो, हां वही ना, उसके जाने के बाद युवराज के साथ ही चला गया था आईपीएल में किया, बट इंडियन टीम के लिए तो उतना नहीं किया। तो एक रिंकू सिंह, यशस्वी जायसवाल भाई, रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच बोला यशस्वी जगह पावर की तरह से आ रहा है जब मुंबई इंडियंस को कोई नहीं जिता रहा था ना, तिलक वर्मा जिता रहा, फिर अचानक वो जीतने लगे तो फिर वही हो गया। तो एक तिलक वर्मा का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। और बॉलर्स अगर आपके दिमाग में कोई दो आ रहे हैं यंग बॉलर्स जो निकल के आए, बॉलर्स को लेकिन मैं सोचता हूँ कि एक सीजन पे कभी जज करना नहीं चाहिए, जब से वरुण चक्रवर्ती हुआ है हमारे साथ वो फिर चलने लगा है भाई। भाई वो बेचारे चले, वो कैसा भी चले, उस आदमी को मैं यकीन नहीं करता, बिगेस्ट स्कैम मुझे लगता है वो आदमी आईपीएल का। यश ठाकुर तुम्हारी टीम से बहुत अच्छी बॉलिंग, यश ठाकुर अच्छी बॉलिंग और अच्छी बॉलिंग, क्रंच मोमेंट से बहुत ही यंग है। और यश ठाकुर को इसलिए भी मान सकते हैं, मतलब जहीर खान से पूछा गया कि भाई यंग बॉलर्स टू लोड़ा, उसने मोहसिन का नाम लिया और यश ठाकुर का नाम लिया। तो अगर जहीर खान किसी का नाम ले रहे हैं तो यश ठाकुर एक है, और क्योंकि हमें 5 नाम देने हैं तो 5वां नाम और एक युवा खिलाड़ी, विदेशी भी कोई अगर दिखा हो आपको, विदेशी तो खैर युवा विदेशी जगह नहीं बना पाता, और इस बार विदेशियों ने मचाया भी नहीं है। फॉरेनर्स का तो ऐसा हाल रहा है, जॉस भाई ने 5 डक बनाए, उनकी स्मृति में हमने रखी भी एक पीछे, ट्रिब्यूट टू जॉस भाई इज 5 डक्स। बैन स्टोक्स को खिलाया नहीं गया, बैन स्टोक्स आज भी, इसमें तो मैं अलग से बात करना चाहूंगा, ये जो फ्रॉड किया है विदेशियों ने, अभी भी गोरे हमें लूट रहे अपनी जोफ्रा आर्चर। अरे जोफ्रा आर्चर को तो 10 करोड़ की डील और ऑफर हो गई है, वो मुझे लगता है इसीलिए हुई है। I think वो अंबानी जी को किसी ने वो बोला है कि एक इंग्लिश खिलाड़ी का, वो पंडित जी उनको कुछ ऐसा देंगे कि तरक्की के लिए एक अफ्रीकन मूल के खिलाड़ी का इलाज कराएं, आपके धंधे में तरक्की होगी, तो शायद वो उसके तो चैरिटी कर रहे हैं पूरी। बट फॉरेन प्लेयर में एक मुझे लगता है कि महेश पथिराना, धोनी ने उसको बोला है कि ये श्रीलंका को भी आगे सर्व कर सकता है, बेबी मलिंगा उसको बोल रहे हैं। ऐसे मैंने सुना था कि धोनी ने उसको मतलब ऐसे खुद से बुलाया था, लेटर वेटर लिखा था उनको कि भाई ये प्लेयर चाहिए, वो तो बाद में पता है यार धोनी भाई की तो ऐसी कहानी है, जो बनना चाहिए वो ऐसे बॉल डालता है, धोनी भाई ने उसका आदमी कर दिया था ऐसे देखा ये क्या साथ जा रहा है अब डाल टेढ़ा कर ले तो ये तो है थोड़ा वो किया जाता है। बट आई थिंक पथिराना एक है फॉरेन प्लेयर कि भाई क्रंच मोमेंट पे अच्छी बॉलें डाली है, श्रीलंकन प्लेयर्स को हम फॉरेन प्लेयर मानते नहीं ना, हां दिखते नहीं मानते, पता नहीं चला देश को लगता होगा कि ये पथिराना तो इधर का ही है, साउथ का ही है, हो सकता है। बट ऐसा आप भी अपने टॉप 5 यंगस्टर्स की लिस्ट जरूर हमारे साथ साझा करें, कमेंट्स में लिखें, हम भी देखना चाहेंगे, और हमारी किस राय से आप असहमत नहीं है वो ज्यादा, मैं चाहता हूँ असहमति ज्यादा हो, बहसबाजी हो कमेंट बॉक्स में, हमें भी तर्क वितर्क मिले। बिल्कुल, अगला हमारा सेगमेंट है ओवररेटेड और अंडररेटेड, यहाँ पे हम एक टॉपिक पिक करेंगे और चर्चा होगी फिर कि ये चीज ओवररेटेड है या अंडररेटेड। इस हफ्ते का हमने भाई टॉपिक पिक किया है द इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो आपकी राय में राजेश क्या है ये, इज इट अंडररेटेड ओवररेटेड? ओवररेटेड चीज है यार बहुत, हाँ। क्योंकि एक तो ये मैच में टाइम बढ़ा रही है बहुत ज्यादा, और दूसरा इस पर ऑलरेडी बहुत बातें हो ही रही है कि ये ऑलराउंडर्स का तो रोल ही खत्म कर दिया इन्होंने, क्योंकि प्रॉपर उसकी जगह पे एक बॉलर या बैट्समैन को बुला लिया जाता है, और ये मतलब मुझे समझ नहीं आता कि आप एक तरफ ये रूल आप खत्म कर चुके हो कि किसी के पैर में चोट लगी तो आप उसे रनर नहीं दोगे, और आप एक प्लेयर भी अलाउ कर रहे हो पूरा टाइम वेस्ट वाली चीज से, तो मैं भी एग्री करता हूँ ये फायदेमंद है, तो भाई इस तरह के प्लेयर के लिए ईशांत शर्मा टाइप जो 4 ओवर डालने की एनर्जी है, बैठ गए डाले स्ट्रेट अवे निकल गए,
किसी युवा खिलाड़ी ने आके जिसकी बैटिंग लेनी है उसने आके फील्डिंग करी, वो तो है। बट इसका जैसे बहुत नुकसान हुआ अभिषेक शर्मा टाइप प्लेयर को, कि जो बॉलिंग भी डालता था। कोई कैप्टन अब क्लियरली अपनी इलेवन में बैठा था यार एक मैच में, तो रोहित शर्मा जैसे के लिए बहुत बढ़िया है। और रोहित शर्मा तो क्लियरली कौन करे धूप में फील्डिंग, रोहित शर्मा ने बोला सूर्य जातू कैप्टनसी कर, तभी तो अर्जुन तेंदुलकर को मौका मिल गया। बढ़िया, अर्जुन तेंदुलकर कुत्ते ने काट लिया, सच्चा मिडिल क्लास थिंग ना कि आई कांट इमेजिन अर्जुन तेंदुलकर को कुत्ता काट ले। अर्जुन तेंदुलकर को शेर काटे, चीता काटे, अर्जुन तेंदुलकर यार वो क्या गलत क्या होगा अर्जुन ने, वेड़िया बैठ का गिरे क्या क्या अर्जुन ने क्या किया होगा, मतलब उस कुत्ते की पहुंच कितनी थी यार अर्जुन तक पहुंच गया, उस कुत्ते की क्या चौड़ हुई होगी भाई अपने इलाके में, मैं किसको दांत मार गया, अर्जुन तेंदुलकर को। आप कौन है बता तुझे सचिन के लड़के का टांग पकड़ ली भाई उसने। अब हम आ चुके हैं अपने दोस्तों नए सेगमेंट में जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। यूजुअली हम बातों में एग्री करते हैं लेकिन यहाँ फुल डिसएग्रीमेंट बहसबाजी होगी। मैं कसम खाता हूँ बल्ला नहीं चलाऊंगा, कसम का बॉल फेंक के नहीं मारेगा, बिल्कुल हाथ अपने काबू में रखेंगे और जबान बिल्कुल बेकाबू रहेगी, बहसबाजियां होंगी, साइड्स पिक करेंगे हम थोड़ी सी और फेस ऑफ इसका नाम हमने चुना है। आज का हमारा मुद्दा यह है कि ग्रेटेस्ट टीम ऑफ ऑल टाइम कौन सी, इज इट मुंबई इंडियंस और इज इट CSK। हम चाहते हैं कैमरा के पीछे जो हमारी टीम है वो हमें दे, हमें एक एक साइड दे, हम जी जान लगा देंगे भाई उसको डिफेंड करने, बताया जाए। शुभम यू टेक MI एंड राजेश यू टेक CSK। ठीक है भाई कैसे डिफेंड करेंगे आप उस टीम को, मैंने एक ग्राफिक देखा था गाइज CSK जर्सीज ऑल सीजन, तो उसमें हर साल था कि CSK की सेम जर्सी होती है येलो येलो येलो, सिर्फ स्पॉन्सर होता है, बीच में दो साल जेल की वर्दी है भाई कुछ भी किया हो हमने मुंबई इंडियंस पे, चाहे दिन में चार बार लिखता हो कि अंपायर खरीद लिया, ये किया वो किया भाई, सीजन पूरे खेले हैं जो भी बोलो, तो क्या होगा सीजन पूरे खेले होंगे, ट्रॉफी तो एक ही फालतू है। अरे भाई कुछ भी को पांच ट्रॉफी, हाईएस्ट ट्रॉफी, नंबर हमारे स्ट्रॉन्ग, सब कुछ हमारा बढ़िया, क्या क्या ऐसा है CSK ने ऐसा क्या किया जो MI ने नहीं किया, हमारे पास MS धोनी है। अरे यार MS धोनी बोलते ही पलड़ा भारी रहता है, पलड़ा भारी क्या हो जाता है, हो जाता है भाई। अरे तो MS धोनी, लेकिन मैं देखा अगर ऐसे देख, अगर तू अगर चल वो ठीक है, हमने दो साल क्रिकेट नहीं खेला, उसके बाद कमबैक करा, ट्रॉफी जीते, जीते फिर भाई हम तो हमेशा ही जीतते आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस पे एक आरोप ये लगता है कि रोहित शर्मा को बहुत स्ट्रॉन्ग टीम मिलती थी, सुपरस्टार्स से फुल टीम होती थी और वो जीत जाता था। भाई ये साल वो जीता आकाश मेघवाल से जो इंजीनियरिंग की जॉब कर रहा था, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता था, पीयूष चावला अभी जीते नहीं है, अभी अरे जीता भाई 16 पॉइंट तो है उसके, चार पर आए हो, अरे CSK 16 पर है 16, अरे तो एक पॉइंट तो बारिश का है CSK का, तो वो तो बारिश का ही होगा लेकिन मैच ज्यादा जीते, रन रेट तो ज्यादा है, रन रेट जैसा नेट रन रेट तो ज्यादा है, नेट रन रेट की क्या बात है, अगर एक मैच हार गई होती तो 16 पॉइंट, तो एक मैच कम ही हो जाते फिर, तो तू ऐसे बोल चार मैच कम हो जाते बारिश में कम हो जाएंगे। पर भैया ये अब ये देखो मुंबई इंडियंस अपना जूनियर एकदम सबसे पीयूष चावला जो बेचारा पिछले साल कमेंट्री में था, कमेंट्री वाले बंदे को हम उठा के लाए, उठा के लाना क्या होता है, अरे उठा के लाए भाई स्काउट तो भाई ऐसे तो फिर हमारे टीम में ऐसे ऐसे प्लेयर आते हैं कि जो बेचारे ऑलमोस्ट करियर खत्म करके वापस करते हैं, रहने ले लो यार, हाँ। वो रहने हमारी टीम से खेल जिस के, दिन से टेस्ट टीम में सिलेक्ट हुआ रहने का स्ट्राइक रेट देख ले, तो हमारी टीम से खेल के सिलेक्ट तो हो गया ना, सिलेक्ट हो गया तो बन गया टेस्ट टीम की तैयारी, तो तुम अपने कैप्टन को देख लो भाई, हमारे क्या परफॉर्मेंस है, हमारे क्या परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है उसकी, कोई परफॉर्मेंस ना कैप्टनसी उसकी कोई खास है, कोई खास नहीं है, खास सारा भाई कोई खास नहीं है, अरे आठ मैच जीत गए वो कैप्टनसी की बात ही नहीं हो रही उसकी भाई, आकाश मेघवाल आधे मैच तो खेलता ही नहीं हूँ, तो क्यों खेले उसकी, क्यों खेले मैच तो जब भाई हमारा कैप्टन तुम्हारे घुटनों पर टिला खेलता है, तो क्योंकि कोई सेकंड लीडरशिप तैयार नहीं की है, क्यों क्यों उसे चाहिए ही नहीं कोई सेकंड, अरे चाहिए नहीं क्या उसको, अरे कब तक खेलेगा यार भाई, जब तक खेलेगा तब तक ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम तो रहेगा ना, आपके वाला तो आलस में नहीं खेल रहा है, ऐसे नहीं कैप्टन, अरे जरूरत ही नहीं है भाई, मैं बैटिंग नहीं करनी है उसे, नहीं करनी फील्डिंग नहीं करनी, फील्डिंग नहीं करनी धूप में, क्यों करे, एक तो भाई जडेजा को खुश नहीं रखते तुम, उसे हर साल स्टोरियां डालनी पड़ती है, इस साल भी उसने लिखा कर्मा सब देख रहा, उसकी तो बीवी काम किसी और टीम के लिए लिख रहा हूं किसी और बंदे के लिए लिख रहा हूं, तेरी थोड़ी टीम के लिए लिख रहा हूं, अरे ये सोचो, ये सोचो ये कितनी गलत चीज है, पर्सनल लाइफ में तो हो सकता है, अरे उसकी बीवी उस पर शेयर कर रही है कि हाँ सही कह रहे हो, पर्सनल लाइफ में नहीं हो सकता है भाई, किसी जेट में किसी देवर में कुछ साले ने एक चीज पे ध्यान लाना चाहता हूँ, RCB का फैन बेस टॉक्सिक है ठीक है, लेकिन भाई ये भी बहुत
टॉक्सिक बिहेवियर है कि थाला अपनी मर्जी से नंबर 8 आ रहे हैं लेकिन पूरे 40,000 लोग दुआ पढ़ते हैं कि जडेजा आउट हो जाए। तो ये तो जडेजा को कितना बुरा लगता होगा यार, लोगों का है ना यार। अरे तो भाई लोग थाला का क्रेज है, थाला ऊपर आए ना आए जो मर्जी करे, बाकी प्लेयर्स दे रहे हैं सबको यार, बाकी प्लेयर्स कितने कहाँ दे रहे हैं, पूरा क्राउड हूट कर रहा है, पूरा क्राउड तो हूट करता है कि आउट हो जाओ आउट हो जाओ, पूरे क्राउड के लिए वो थोड़ी कर दे, अपना गेम प्लान थोड़ी चेंज कर देंगे। गेम प्लान चेंज नहीं, लेकिन बैट्समैन जो बैटिंग कर रहा है उसकी तो मेंटल स्टेट देखो। तो इसमें थाला की तो थाला की गलती है, ऊपर थाला आए भाई, थाला को दो बॉल के बाजू में खड़े रहेंगे, थाला थाला को दो बॉल खेलनी है, ऊपर आके खेल के आउट होके चले जाए, ऐसे नहीं थाला आएंगे तो आउट नहीं हो जाता। धोनी बना देंगे वो किसी को, किसको बना दे जड़िया को, चला नहीं रिकॉर्ड यही है, धोनी ऐसे अनप्रेडिक्टेबल प्लेयर चुन लेता है। कौन हुआ आफ्टर धोनी, अनप्रेडिक्टेबल बोला है, प्रेडिक्ट नहीं माना अभी तक, अनप्रेडिक्टेबल यही तो मतलब होता है, हो सकता है तुषार देशपांडे बना दे। भाई धोनी खासियत यही है कि उसको कोई प्लेयर दिख जाता है, और शिवम दुबे का बना दे क्या पता। शिवम दुबे भाई अपना बैटिंग कर ले काफी है, बैटिंग बढ़िया करी है भाई इसने। अरे तो भाई हमारी टीम में कौन बैटिंग कम कर रहा है, हमारी टीम में कौन हमारा कैप्टन भाई जरूरत ही नहीं है। पर बात क्या है, ओपनर आता है जरूरत क्यों नहीं है। वो अगर 8 नंबर का प्लेयर हो तो मैं बोलूँ कि जरूरत नहीं है। अरे उसकी बैटिंग से कौन सा मैच आ रहा है ये बता दे। आप ये देखो नीचे हमने महंगे खिलाड़ी लिए, कैमरन ग्रीन डिलीवर कर रहा है, एक मैच में चला, अरे सेंचुरी मार दी और क्या चाहिए क्रंच गेम में, वर्ल्ड नंबर 1 T20 बैट्समैन हमारी टीम में, और कौन है हमारी टीम, तुम 4 नंबर में है। अरे भाई एक बारिश का पॉइंट एक साथ तेरे पास। चलो ठीक है भाई, हम लेकिन अरे ये तो इस सीजन की बात हो गई, ओवर द पीरियड हम बात कर रहे हैं कि जो लीगेसी है, ग्रेटेस्ट बॉलर कौन है ऑफ ऑल टाइम आईपीएल का, मलिंगा। कौन सी टीम से खेला, मुंबई इंडियंस से। ग्रेटेस्ट फिनिशर आफ्टर धोनी, किरण पोलार्ड है भाई, किरण पोलार्ड मैं नहीं मानता उसको, तू मत मानिए तेरा भाई, सीजन में एक दो मैच, तीन मैच, दो तीन मैच ही जिताता है। वो कौन से मैच होते हैं, कौन से जो मस्ट विन होते हैं, मस्ट विन वाले, ये कुछ नहीं मस्ट विन वाले, ऐसा कुछ नहीं। सीएसके के लीगेसी प्लेयर कौन है अदर देन थाला और चिन्ना थाला, सीएसके के लीगेसी प्लेयर अपने कौन है बिल्कुल अच्छा खेले एक दो सीजन बाद में इसमें आ गया, स्टीफन फ्लेमिंग भूल गया ना, बहुत पुरानी बात है। स्टीफन फ्लेमिंग से खुद तो पूछेगा ना कि आप T20 के कैसे प्लेयर थे, तो वो भी अपना नाम नहीं लेंगे। नया नया हमारा देख, हमारे सारे प्लेयर चाल की था, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस ने दिया, पहले सीजन में आईपीएल चैंपियन, हो सकता है पहली बार में। हमारी रणनीति अलग है। क्या रणनीति है हमारे, तो वो नहीं होता कि हम इन्वेस्ट करते हैं, सब जाते हैं स्काउट करने, अंडर 17 अंडर 19 ये जैसा हमने बताया, ओल्ड एज होम्स कि भाई डॉक्टर की दुकान के बाहर मालिश है किस प्लेयर की चल रही है। लगता है शेन वॉटसन डॉक्टर में मालिश करा रहा था, धोनी देख के बुला रहा है। शेन वॉटसन 34-35 में ही चला है, यंग एज में नहीं है। आपकी टीम हमेशा स्टार प्लेयर खरीदे भी उन्होंने, बनाए भाई बनाए भी, चल ठीक है बनाए भी खरीदे भी, तो क्या करे, रोक दे उनको 20 सीजन, एवरेज रहो। नहीं नहीं एवरेज से जीत, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि एवरेज प्लेयर्स के साथ वो टीम जीती है भाई। ये तो ऐसा है कि मैं फटा नोट चढ़ा दिया, फटे नोट से दूध खरीद लिया, फटा नोट से 10 का नोट तेरे पास, 10 का मेरे पास, हाँ। अब मेरा 10 का नोट साबुत है तो मेरी क्या गलती है इसमें। मुंबई इंडियंस यार बीच में प्लेयर वो ट्रेड कर लेती है, दूसरी टीम में कोई अच्छा प्लेयर चल रहा होता, देख ले बदमाशी देख ले, तो ये बदमाशी हो गई ना, हमारे प्लेयर खुली बना लेते हैं भाई, हम तो तुम्हारी बदमाशी। शिवम दुबे कितना एवरेज प्लेयर था, टीम इंडिया भी खेला है उसे एवरेज पंती के साथ, अब देखा खड़े खड़े छक्के मार रहा है भाई, ये कॉन्फिडेंस उनको सीएसके में मिलता है, सीएसके में आकर ही छोटे प्लेयर बड़े भी बनते हैं, और बड़े प्लेयर जो लगता है जिनको अब कुछ नहीं हो सकता उनसे भी वो काम निकलवा लेता। ये तो नेवर एंडिंग बहस है, हम चाहेंगे ऑडियंस भी इसमें बताए बिल्कुल, कौन सी टीम ग्रेटर है MI और CSK। और अब जाते जाते हम एक और सवाल भी आपसे पूछना चाहेंगे, सवाल सिंपल सा ये है कि कौन सा एक प्लेयर सिंगल सीजन में हाईएस्ट प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड जीता बिना गूगल की, आपको बताना। इस तरह के एपिसोड अब हर हफ्ते आते रहेंगे, बहुत सारी क्रिकेट होनी है इस साल, WTC आ जाएगा अभी, एशिया कप अगर हुआ तो होना तो है, ये होना है उनपे, और है क्या खाने को रोटी नहीं चोर करा लेंगे हमारी बात, हाँ यार तो ये एशिया कप, वर्ल्ड कप, क्रिकेट आगे पीछे सीरीज होनी है, और पेटीएम ट्रॉफी तो होती रहेगी, एशेज होगा भाई, एशेज होगा WTC जाएंगे, तो काफी क्रिकेट होनी है, उस पर हम बातचीत करेंगे, आप देखते रहिए द ग्रेट इंडियन क्रिकेट शो।